एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी बिल्कुल सोए हुए हैं और बजे 6 और लौट गई हूँ। और आज तो अच्छा मौसम है, पता बारिश हो रही है बाहर देखो। ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है सुबह सुबह, जैसे कि मैंने विंडो खोल दी। गुलाब भी सो रहे हैं। अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और चाय बनाऊंगी, जो कि मेरा डेली का है। आज ये रूटीन बना लेती हूँ ना। ओके, तो अभी मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय। मैं चाय बना के ले आई हूँ, पेमाइन किन बिस्किट। और इसे देखो गुल अभी सोया हुआ है। गुल चाय पी लो, चाय गुल चाय पी लो। और मैं इनको ना रोज सुबह ऐसे उठाती हूँ, कितनी देर बाद जाके उठता है गुल्लड़। गुल उठ जा, मैं भी लोग झूठ कर रहा आज। तो वैसे भी नहीं उठ रहे। और अभी मम्मी आएगी, आप सोच रहे हो 3 कप किसके, मेरा गुल का और मम्मी का। पापा भी गए हैं बाहर, पापा आएंगे तब पापा के। मैं किचन का काम करके आ गई हूँ फिनिश, सिर्फ बर्तन किए और थोड़ा पोछा वगैरह सफाई, किचन की सफाई कर दी है। और यहाँ पे अभी गुल फिर से सो गया चाय पीने के बाद। तो अभी वैसे मैंने डस्टिंग कर दी है, बेडशीट बाद में हो जाएगी। अभी मैं जाऊँगा नहाने, टाइम क्या हुआ है 8:08 है। तो मैं नहाने जाऊँगी। ओके, फिर नहा के आके देखती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। नहाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ, जैसे कि मौसम बहुत अच्छा है तो मैं कुछ पहन लेता हूँ, सूट वगैरह, क्योंकि मेरे सारे सूट है भी ना, तो ज़्यादा गर्मी में पहन नहीं जाती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ पहन ही लेता हूँ और दिखाती हूँ। जैसे कि मेरा मन है मैं आज इसको पहन लूँ, और तो नहीं तो ही पहन लेती हूँ। मेरे कुछ सूट ना टाइट हो गए हैं, क्योंकि मैं मंगे के पड़े हो, कुछ सूट मेरे टाइट हो गए इसलिए ही पहन लेती हूँ। वो टेलर के पास गए हुए अभी तक नहीं आए। जींस फिर इसमें गर्मी लगेगी है ना। जींस नीचे है मेरी, धोए थे ना कपड़े, जींस टॉप इसमें नहीं है। और कुछ किसी का सूट है, किसी का प्लाजो नहीं है, सब कुछ लेने जा रहे हो हैं? सदर ना मेंटल नीचे जा रहे हो क्या हैं? लोवर और पहन ले कोई। लोवर तुम्हारा लोवर रखा है यहाँ पे यार, नहीं अच्छा सा नहीं लगता। अभी मैं न्यू बहू हूँ ना, पहन लेती हूँ। चलिए सही पहन लो इसे। यस, मैं इसको पहनने वाली हूँ। गुलता ऐसे ही करते रहते हैं नंगू पंगू से। बाय। हाँ यार, जीन्स भी क्या, जीन्स ही पहन लूँगी बाद में। अभी मेरे सूट हैं मेरे पास बहुत सारे नए नए, मेरा मन करता है नए नए सूट पहनने का। तो ठीक है, देखो बेडशीट की हालत। अब इसको मैं ठीक करूँगी पहले, तब मैं नहाने जाऊँगी। ओके बाय। गाइस, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश किया है। मैं गर्मी में जल्दी हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पसीने आते हैं, खुजली होने लगती है। तो अब मैं बनाऊँगी खाना और टाइम हुआ है 8:49। थोड़ा टाइम लगता है नहाने में, तब हेयर वॉश करते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ पता है लौकी, कितनी बढ़िया ना। और जैसे कि मुझे नहीं आती है, बट जो मैंने अभी तक सब्जियां बनाई हैं, मुझे आइडिया हुआ है कि अगर कोई पानी वाली सब्ज़ी बनानी है तो उसमें ज़्यादा पानी डाल दो, और अगर सूखी बनानी है तो कम डाल दो। आज मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूँगी खुद से, किसी से नहीं पूछा। मैंने किसी से नहीं पूछा है कैसे बनेगी,
से मैं खुद बनाऊंगी। मैं इसको कट कर लेती हूँ। अभी मैंने सब कुछ कट कर लिया है और इसे कट करने में गुल्ले में मेरी हेल्प की है। गुल मेरी हेल्प सारे काम में कर देते हैं जितना भी मैं करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है मैंने कभी कुछ नहीं किया, तो धीरे धीरे सीखूंगी ना तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो अब हम बनाएंगे सब्जी। अब इसमें पानी है। वैसे गुल को भी आती है पता सब्जी बनाने, वो भी मुझे बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। कभी कभी मेरे को ही नहीं आती, मेरे को भी रोटी बनानी आती है। अब हम डालेंगे इसमें जी, ये कैसे डालिए नमक बस हो गया। अब जब ये बन जाएगी तो तब दिखाऊंगी कैसे बनेगी। ओके, तब तक मैं रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद किचन साफ करूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी, तब मैं दिखाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं बाद में। जो मैंने सब्जी बना दी है और अभी कच्ची है, और वो लग रही थी भूख तो मैं थोड़ी सी लाई है, अभी बन रही है वो प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं कैसी बनी होगी ये गुल है। ऐसे क्यों हो रहे हो? तो हम खाना खाएंगे। ओके, तो बताते हैं आपको खाने के बाद कैसा लगा। अभी हमने खाना खा लिया है। जैसे कि आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, पता नहीं वो कच्ची कच्ची सी है, बहुत देर हो गई उसे बनाते हुए, आज मज़ा नहीं आया इसलिए मैंने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया। आज मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं तो मैं फेल हो गई। माय गॉड, वो अच्छी नहीं लगी ना। अरे वो बनी ना है अच्छी की लगती, अभी बनी ना, फिर के बनेगी। गया गड़ा ना भाई, गया खराब है। नहीं यार, मेरे को बनाना नहीं आया। और जैसे कि अब हमारा काम फिनिश हो गया है, 10:09 हो रही है। हमारा काम से जल्दी हो जाता है, हम बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं दोनों, बातें बातें करते हैं या कुछ भी बैठ जाते हैं ऐसे ही, पर हमारा काम इतना ज़्यादा है नहीं। और अब भी मैं करूँगा मेकअप शेकअप थोड़ा सा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने थोड़ा जो भी मैं मेकअप करती हूँ डेली वो कर लिया है, और आज पता है मैंने बिंदी भी लगाई है। वैसे मेरी बिंदी मैं इसलिए नहीं लगाती यार, पता नहीं थोड़ी देर बाद ही हट जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, फिर मैं नहीं लगाती। मुझे आदत ना बार बार ऐसे फेस पे हाथ लगाने की, तो वो हट जाती है और फिर पता नहीं चलता। मैंने आज लगा ली, मेरा मन कर रहा था। और आज मैंने वाला सूट पहना है क्योंकि गर्मी मुझे थोड़ी कम लगी, बट अभी धूप निकल रही है। आगे आगे देखो ज़्यादा ना हो जाए, फिर मुझे निकालना पड़ेगा, मैं नहीं पहन सकती ज़्यादा गर्मी में। और अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया, 10 हो गया था, अभी बज रहे हैं 10:30। और अब मेरे को कुछ नहीं करना है शाम तक, मतलब मम्मी पापा आएंगे उनको खाना देना है और फिर शाम में खाना बनेगा। नहीं, 3 चाय बनेगी, 3 चाय बनेगी, उसके बाद खाना बनेगा, बीच में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं इतना काम करती हूँ ससुराल में, और अपने घर पर तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, पता है। मैं मतलब मेरा यहाँ का रूटीन था, मैं सुबह उठती थी 7:30 से 8 के बीच, अगर कॉलेज 8:30 जाना हो तो मैं उठती थी 7:30,
और अगर लेट जाना फिर छुट्टी हो तो और लेट हो जाता था। फिर मम्मी चाय ले आती थी, फिर चाय पी के थोड़ा इधर उधर घूम के फिर मैं नहा लेती थी, पूजा वूजा करके, फिर पूरा दिन मेरा क्या था, फ़ोन चलाना या फिर ऐसे घूम लेना, कुछ नहीं कर। मैं एक काम करती थी, मतलब बहुत पहले से एक ही काम था मेरा, मैं 2-3 दिन में एक बार कपड़े धुलती थी सबके, मशीन से, हाथ से नहीं मशीन से। तो मेरा वहाँ पे सिर्फ एक काम था। और झाड़ू तो मैंने पता नहीं कब लगाई होगी, एक दो बार अपने घर पे मैंने झाड़ू लगाई होगी शायद, हाँ लगाई होगी एक दो बार। तो पोछा मैंने एक बार भी नहीं लगाया अपने घर, एक बार भी नहीं, कभी नहीं लगाया मैंने पोछा। और बर्तन वगैरह करे होंगे एक दो बार, हाँ रोटी बना देती थी मैं, क्योंकि सब्जी मुझे आती नहीं थी, अगर कोई आटा वाटा करके दे दे तो रोटी, मुझे अच्छा लगता है रोटी बनाना खड़े खड़े ऐसे, मुझे मतलब इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो रोटी तो मैं बना देती थी अपने घर, बाकी मुझे कुछ नहीं आता था भाई। मैंने यहाँ पे आके झाड़ू लगाई है, और जिस दिन मैंने स्टार्टिंग वाले दिन यहाँ पे झाड़ू लगाई ना, मेरे हाथ में पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, मतलब तब से वो बढ़े जा रहा है, गांठ सी हो गई, दिखाऊंगी इसे क्या हुआ पता नहीं, उसी दिन हुआ था। और धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने, मुझे सब बोलते थे कैसे करेगी ससुराल जाके, कैसे करेगी, देख लो खाना बना रही हूँ मैं, हाँ नहीं तो हल्के में लेते थे मेरे को। अब रिलेटिव्स बोलते थे कैसे करेगी, कुछ भी नहीं करती, कुछ सीखा भी नहीं, क्या सास बोलेगी। तो हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला सब सीख लेगी धीरे धीरे, वो अभी भी कुछ नहीं बोलते, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। और जो रिलेटिव्स अभी भी मुझे, मतलब लोग फ़ोन कर कह रहे हैं यार तुझसे उम्मीद नहीं थी, तू इतना काम कर लेगी, मतलब खाना वाना बना लेगी, झाड़ू लगा लेगी। तो यार मैं वही काम करती हूँ जिसकी मुझसे किसी को उम्मीद नहीं होती, तो मैं काम करने लगी हूँ, और रिलेटिव शॉक एंड आई एम रॉक। तो आजकल मैं बहुत काम कर रही हूँ, मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि मैं करती नहीं थी तो लोगों को ज़्यादा लगता है। पर खाना वाना मैं देखो ससुराल इतना तो करना चाहिए। वैसे मम्मी सब्जी बना के बना देती थी पहले, अभी यहीं पे क्योंकि मुझे सब्जी नहीं आती थी, फिर मैंने कहा यार मैं कैसे सीखूंगी अगर आप बनाती रहोगी तो। फिर मैंने ट्राई करा एक दो बार, मुझसे सही सी बनी, मुझ में कॉन्फिडेंस आया, और अब मैं धीरे धीरे बनाती हूँ सब्जियाँ। और रोटी तो मुझे आती थी, झाड़ू वगैरह मुझे शुरू में दिक्कत हुई क्योंकि मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है, बट अब मुझे आदत हो गई। बस थोड़ा सुबह उठने में होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं उठती हूँ 6 बजे, और अपने घर में उठती थी 7:30-8 बताया आपको, और वहाँ पे कुछ होता ही नहीं था। मतलब मेरी ना बड़ी बहन थी, अभी वो मेरा व्लॉग देख रही होगी ना, तराएगी, वो काम कर लेती थी अगर मम्मी भी नहीं होती थी घर पे, तो इसलिए मैंने कभी कुछ करा नहीं। वो भी मुझसे बस रोटी बनवाती थी, अगर कभी आटा करके रोटी बना दे, मैं रोटी बना देती थी। बर्तन वगैरह, बर्तन और झाड़ू पोछे का काम से मुझे बहुत दिक्कत है, वो मैंने कभी करा भी नहीं, बट यहाँ पे कर देती हूँ मैं। मम्मी बेचारी अकेले, वो भी तो बहुत सारा काम करती है। और अब भी मैं रेडी हो गई हूँ, अब पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाएगा, मतलब मम्मी पापा आ जाएंगे फिर हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हम सदस्य यार 4 हैं तो मन नहीं लगता अकेले, हम ऊपर ऐसे अलग अलग नहीं रहते, हम सारे इकट्ठे नीचे चले जाते हैं, वहीं पे रहते हैं पूरा दिन, फिर ऊपर आ जाते हैं रात शाम में, मतलब खाना वाना बनेगा तब। और वैसे मुझे भी लगता था यार कैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी किसी के घर की, और वो भी तब जब घर पे मम्मी है सिर्फ, और कोई ऐसे है नहीं, मेरे को नंद तो लेनी पड़ती है। वैसे मेरी हेल्प बुल भी करा देते हैं बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही करा देते हैं, क्योंकि जो भी काम मैं करती हूँ ना उसमें मेरी बुल हेल्प कराते हैं, वो बताते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि यार उनकी बहन नहीं थी घर पे तो उन्होंने भी तो थोड़ा बहुत करा होगा ना मम्मी के साथ। तो वैसे बाकी सब बढ़िया, अभी देखो अभी तक तो मैं इतना काम कर लेती हूँ, बढ़िया चल रहा है, अच्छा लग रहा हूँ मैं। तो गाइस जैसे कि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारा जस्ट प्लान बना है कि हम बाहर जा रहे हैं, मतलब गुल की मार्केट में, थोड़ा हमें काम है और थोड़ा हमें काम है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। वैसे तो मैं आज डेली रूटीन बना रही थी, बट डेली रूटीन में मैं मार्केट तो जाती नहीं हूँ, बट कोई नहीं,
अभी ये हमारा रेस्ट टाइम था बट आज हम घूमने जा रहे हैं थोड़ा सा, तो हम जा रहे हैं मार्केट। तो मैं थोड़ा कॉम वगैरह कर लेती हूँ और रेडी शेडी हो जाता हूँ, तो मैं रेडी हूँ, बस कॉम करना है और फिर चलते हैं। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। मैं हुई हूँ कम्प्लीटली रेडी और अब हम जाएंगे ऐसे। तो जैसे हम जा रहे हैं मम्मी फुल ठीक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रास्ते में बिल्कुल हमारे खेत आगे हैं तो आगे खेतों पर, यहाँ पे रोड बहुत खराब हो रखी है जैसे कि बारिश हुई ना बस में पानी भरा हुआ है। पल्ली रोड सही है उसको गए ना हम आज, मगर चले दूसरा रास्ता आज हम इधर से जाएंगे। तो मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, देखो ओ बॉय गॉड काला काला आज वैसे भी बहुत मजा आ रहा है घूमने में। तो हम मिलते हैं आपको मार्केट में जाने के बाद। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है और हम दोनों बाइक पे हमारा लिए एक गांव है कमाला। तो गाइस मौसम हो रहा है बहुत अच्छा और मैं तो बहुत मजा आ रहा है यार। अभी आप ना कोई कहां और जैसे गांव कमाला गांव है पटोच के गांव। तो यहाँ पे हो गई है बारिश और हम बहुत तेज़ी से भीग रहे हैं, इधर उधर से बारिश आ रही है, रास्ते में खड़ा होना पड़ा हमें यहाँ पे। हमारे छोले भटूरे आ गए हैं और अब हम खाएंगे छोले भटूरे, यम्मी ना, हम खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी हमने छोले भटूरे खा लिए, हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, हमें थोड़ा सा वहाँ पे कुछ काम है फिर हम घर जाएंगे वापस, थोड़ा और कुछ खाने के बाद देखते हैं क्या खाते हैं। वैसे मेरा पेट फुल हो गया है छोले भटूरे से। तो गाइस ये है फेमस स्वीट्स की शॉप, इनके यहाँ पे घेवर जो मिलता है वो बहुत फेमस है और मेरे को बहुत पसंद भी है। तो हम यहाँ पे गए हैं घेवर खाने, यहाँ से हम ले रहे हैं टिक्की, अभी हमने वो खाया था घेवर, हम टिक्की ले रहे हैं घर के लिए और ये खा ले रहे हैं टिक्की समोसे नहीं समोसे। देखिए जैसे कि मेरे बाल देख रहे हो आप बारिश में कैसे हो गए हैं, तो घेवर लगा हुआ है। कौन सी अंग्रेजों के टाइम की है दिखाऊंगी, गुल ने बताया ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कैसी कैसी कितनी छोटी छोटी सी गेट है, गेट देखियो इसमें तो मैं आऊंगी भी ना, मेरे सर में इतने छोटे लोग होते थे क्या पहले। तो अभी हम जा रहे हैं घर और हमने समोसे टिक्की ले लिए और हमने खा लिया है, मेरा बहुत फुल हो गया और जैसे कि हवा बहुत अच्छी लग रही है और अब हम जाके करेंगे बात घर पे। बाय बाय। हम आ गए हैं ऊपर, जैसे कि आज मैंने डेली रूटीन बनाया तो हम मार्केट चले गए, तो चाय तो मैंने बनाई नहीं, मम्मी ने बनाई थी और हमारे लिए भी बना दी थी। और अभी बजे हैं कितने बजे हैं गुल, साढ़े पाँच, साढ़े पाँच तुम ऊपर ही आए थे, चालीस, हाँ 5:40 हुई है। और अभी मैं किचन में जाऊँगी पूरे 6 बजे ठीक है, और किचन में क्या वही खाना वाना बनाना है और कुछ नहीं किया। मैं मार्केट चली गई थी बीच में, तब से आके हम लेट गए, दोनों ने रेस्ट किया थोड़ा सा, अब मैं जाऊंगी किचन में, देखो क्या बनाती हूँ आज मैं। ओके तो मिलते हैं आपसे किचन में। तो यहाँ पे बना रही है मम्मी दाल, क्योंकि मुझे दाल नहीं आती है बनानी और फिर से ख़राब हो जाएगी और हमें अच्छी दाल खानी है, इसलिए मम्मी यहाँ पर दाल बना रही है और मैंने रोटियाँ बना दी है जल्दी, फिर हम खाएंगे खाना।
क्योंकि फिर मच्छर वगैरह आ जाते हैं, इसलिए हमने जल्दी बना ली रोटियाँ। बस अब दाल बन जाएगी, फिर हम खाना खाएंगे। अभी खाना बन गया है, मम्मी ने दाल बनाई है और मैंने रोटी बना दी है, बट अभी किसी ने खाना खाया नहीं है। और टाइम हुआ है 7:20, 7:20 और 6 बजे मैं किचन में गई थी। सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस सब खाना खाएंगे, उसके बाद दूध वगैरह गर्म होगा वो सबका हो जाएगा काम फिनिश। अभी मैं बैठी हूँ, मम्मी अंदर है, दिन पता नहीं कहाँ गए, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, जब हम रोटी खा रहे हैं, अभी हम आ गए अपने रूम में और वैसे हमारा काम फिनिश हो गया था 8 बजे, बट हम नीचे बैठे थे, मम्मी पापा सब बातें बातें कर रहे थे, तो अभी टाइम हो गया 10 और हम अभी अपने रूम में आए हैं जस्ट। वैसे हम जल्दी भी आ जाते हैं थोड़ा देर से भी, और अभी हमारा टीवी चल रहा है, इसको तो जानते ही होंगे। यस गाइस, तो गाइज इग्नोर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जल्दी जल्दी से 1K कर दो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे। तो आज मैंने सारा अपना रूटीन बताया कि मैं क्या क्या करती हूँ, बस बीच में आज अचानक से हम चले गए छोले भटूरे खाने, वो रूटीन में नहीं था क्योंकि मैं डेली तो जाती नहीं। तो आज का मेरा रूटीन था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।